फीट फीट नीचे जाएंगे। ये महाराष्ट्र के नांदेड़ से वीडियो आया है और कितनी खतरनाक बातें इसमें हैं आप सुन लीजिए कि ये कहा जा रहा है शाहीन बाग ने एक फैसला कर लिया, वो हिंदुस्तान को मानना होगा और जो नहीं मानेंगे उनकी कब्र खुदेगी। एक बार पूरा वीडियो फिर से सुनिए। कोई गुंजाइश नहीं है ये, और इस लड़ाई में इफ और बट की, अगर और मगर की कोई गुंजाइश नहीं है। ये कानून वापस जाएगा, कानून के बाद हुकूमत वापस जाएगी, सीए भी नहीं रहेगा, हुकूमत भी नहीं रहेगी, और अगर ये दोनों नहीं रहे तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा। ये बात भी बहुत क्लियर करना है कि सीए भी नहीं रहेगा, हुकूमत भी नहीं रहेगी, और अगर कोई ये कोशिश करता है कि ये दोनों चीजें बाकी रहे तो फिर कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, चाहे उसके लिए जो करना है। मुस्लिम कम्युनिटी भी उसके लिए तैयार है, नौजवान भी उसके लिए तैयार है। तो ये किसी इफ और बट वाली बात नहीं है, ये किसी बाबरी मस्जिद वाली स्ट्रेटेजी की बात नहीं है कि कोर्ट का जो फैसला होगा मान लेंगे। फैसला हम कर चुके हैं, अब हिंदुस्तान उसको मानेगा। ये ऑप्शन हम आपको दे ही नहीं रहे, ये ऑप्शन अब नहीं है आपके पास, किसी के भी पास, कि आप ये बोलेंगे ठीक है फैसला वहां से आएगा, कुछ एडजस्टमेंट होगा। फैसला शाहीन बाग से हो चुका है, अब आप कब मानेंगे ये आपको तय करना है। जितना जल्दी मानेंगे उतना आपके लिए बेहतर है, जितना डीले करेंगे आपकी खबर उतनी ज्यादा गहरी खुदेगी। अब आपको तय करना है कि 2 फीट नीचे जाएंगे, 20 फीट नीचे जाएंगे। बहुत ही खतरनाक बातें हैं इस वीडियो में। सीए वापस जाना चाहिए, हुकूमत यानी जो केंद्र में सरकार है वो भी वापस जानी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्या परिणाम होंगे, वो भी बताया गया है। सुरभि के पास चलते हैं, सुरभि हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रही हैं। सुरभि, ये वीडियो कब का है, कोई जानकारी मिल पा रही हो इस वीडियो के बारे में, और क्या जानकारी है आपके पास, बताइए जरा। हालांकि सुशांत, ये देखना भी बहुत जरूरी है, सुनना भी बहुत जरूरी है कि आखिर किस तरह से लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है और किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल इस वीडियो में किया जा रहा है। हालांकि ये वीडियो जिस तरह से हम अपने दर्शकों को बार बार दिखा रहे हैं उससे ये साफ पता लग रहा है कि शाहीन बाग के नाम पर नांदेड़ की ये आवाज दिखाई गई है, सुनाई गई है, और उसमें जिक्र सिर्फ और सिर्फ शाहीन बाग का किया गया है, और ये बताया गया है कि किस तरीके से अब लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। और इन शब्दों पर अगर हम गौर करें तो सबसे पहली बात ये कही गई कि इस देश का मुसलमान ये तय कर चुका है, पहले ये कानून वापस जाएगा, फिर ये हुकूमत वापस जाएगी। हालांकि जिस वीडियो का हम जिक्र कर रहे हैं, ये वीडियो कुछ ही घंटे पहले, लगभग 18 घंटे पहले इसे पोस्ट किया गया है, और जिस वीडियो को पोस्ट किया गया उसमें सबसे पहली लाइन यही लिखी गई, सुनिए और समझिए कितने शर्जील हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात हमने देखी इस वीडियो में, जिसमें साफ तौर पर ये लिखा गया कि सुनिए और समझिए कि आखिर कितने शर्जील हैं। और कुछ बातों को अगर आप गौर करें सुशांत, उसमें ये भी साफ तौर पर कहा गया है और ये ब्रेन वॉश करने की कोशिश की गई है कि फैसला तो लिया जा चुका है, अब आपको मानना ही पड़ेगा। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमने देखी कि इसमें ये जिक्र भी किया गया है कि नौजवान मुसलमान पूरी तरह से तैयार है। हालांकि ये भी कहा गया है और ये भी लोगों को समझाने की कोशिश की गई है, ब्रेन वॉश करते हुए ये बोलने की कोशिश की गई है कि भाई आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आपको मानना ही पड़ेगा। इसलिए यही वजह है कि इस फैसले को लेकर शाहीन बाग में आवाज एक की जा रही है, क्योंकि ये भी साफ कह दिया गया कि ये कोई मस्जिद नहीं है, कि कोई कोर्ट नहीं है, कि कुछ भी कहेगा और उसे मान लिया जाएगा, फैसला थोप दिया जाएगा। अब आप सुशांत ये समझिए, इसी वजह से प्रधानमंत्री ने भी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ये कोई संयोग नहीं है कि शाहीन बाग के नाम पर अलग अलग जगह पर वीडियो। देखिए सुरभि, आप जो बता रही हैं, सुरभि आप जो बता रही हैं, और उसमें जो पहली लाइन, जिसने भी फेसबुक पे पोस्ट किया उसने पहली लाइन लिखी है कि देखिए कितने शर्जील हैं, उससे दो बातें स्पष्ट हैं। एक तो जैसे शर्जील देश को तोड़ने की बात कर रहा था, उतना ही खतरनाक ये वीडियो नजर आ रहा है, इसमें कही गई बातें नजर आ रही हैं। और दूसरी बात कि देखिए कितने लोग वहां ताली बजा रहे हैं, ऐसा नहीं है किसी ने खड़े होकर कह दिया हो कि इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। जरा वहां जो पीछे बैनर पोस्टर लगे हैं उसको जरा हमारे दर्शकों के लिए करीब से समझाएंगे, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। हालांकि क्योंकि मैं वीडियो इसमें प्ले करने की कोशिश एक बार फिर से सुशांत करती हूं, उसमें ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि NPR #NPR #NRC #CAA, और साथ ही ये लिखा गया है शाहीन बाग नांदेड़ की आवाज, इसे कोलन किया गया है, और ये एक आंदोलन के तहत पूरा आयोजन किया गया था, क्योंकि ये पूरा आंदोलन जिस तरह से देश भर में चल रहा है उसी आंदोलन की आवाज को एकजुट करने की कोशिश नांदेड़ में भी की गई। अब नांदेड़ में ये जो कोशिश की गई है उसमें सुशांत ये दर्शाने की कोशिश की गई है कि ये फैसला हम पर थोपा जा रहा है, और इसीलिए अब जरूरत है। सुरभि, आपके पीछे दाहिनी तरफ जो एक पोस्टर है उसमें संविधान बचाओ भी लिखा है नीचे, क्या
संविधान बचाओ यहाँ पर संविधान बचाओ CAA NRC हैशटैग। अब देखिए ये कितना कितनी बड़ी विडंबना है सुरभि, जो प्रधानमंत्री कह रहे थे कि संविधान के नाम पे हो रहा है। संविधान कहता है क्या कि अगर कोई आपकी बात ना माने तो उसकी कब्र खोद दीजिए। मैं चाहूंगा दर्शक एक बार फिर से सुने कि कैसे प्रयोग हो रहे हैं लोगों को भड़काने के, बहकाने के, CAA के नाम पर, NRC के नाम पर, और कितने खतरनाक प्रयोग हैं ये। आप सुनिए एक बार फिर से जो ये वीडियो आया है नांदेड़ से। और इस लड़ाई में इफ और बट की, अगर और मगर की कोई गुंजाइश नहीं है। ये कानून वापस जाएगा, कानून के बाद हुकूमत वापस जाएगी, CAA भी नहीं रहेगा, हुकूमत भी नहीं रहेगी, और अगर ये दोनों नहीं रहे तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा। ये बात भी बहुत क्लियर करना है कि CAA भी नहीं रहेगा, हुकूमत भी नहीं रहेगी, और अगर कोई ये कोशिश करता है कि ये दोनों चीजें बाकी रहे तो फिर कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, चाहे उसके लिए जो करना है। मुस्लिम कम्युनिटी भी उसके लिए तैयार है, नौजवान भी उसके लिए तैयार है। तो ये किसी इफ और बट वाली बात नहीं है, ये किसी बाबरी मस्जिद वाली स्ट्रेटेजी की बात नहीं है कि कोर्ट का जो फैसला होगा मान लेंगे। फैसला हम कर चुके हैं, अब हिंदुस्तान उसको मानेगा। ये ऑप्शन हम आपको दे ही नहीं रहे, ये ऑप्शन अब नहीं है आपके पास, किसी के भी पास, कि आप ये बोलेंगे ठीक है फैसला वहां से आएगा, कुछ एडजस्टमेंट होगा। फैसला शाहीन बाग से हो चुका है, अब आप कब मानेंगे ये आपको तय करना है। जितना जल्दी मानेंगे उतना आपके लिए बेहतर है, जितना डीले करेंगे आपकी खबर उतनी ज्यादा गहरी खुदेगी। अब आपको तय करना है कि 2 फीट नीचे जाएंगे।